अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने क्लाइंट के लिए एक बेहतरीन स्क्वाड डिज़ाइनिंग बनाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। तो गाइस आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और आप भी इस तरह पोस्टर बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अगर आपको भी इस तरह के पोस्टर चाहिए तो आप इस नंबर पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। शुक्रिया। तो गाइस सबसे पहले पिक्सेल लैब ऐप को ओपन करें। तो इसके बाद यहाँ से आप लोगों ने जो टेक्स्ट है उसको आप लोगों ने डिलीट करना है। यहाँ से ए पर क्लिक करके टेक्स्ट रिमूव करें, उसके बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज सेलेक्ट करें और यूट्यूब थंबनेल साइज। तो इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड के लिए जो फोटो आप लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से फ्रॉम गैलरी लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ से जो भी फोटो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद शेप पर क्लिक करके आप लोगों ने शेप को फुल स्क्रीन करना है और इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने उसका कलर भी चेंज करना है। अपने हिसाब से आप लोग कलर लगा सकते हो। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने ग्रेडियंट पर क्लिक करके कलर लगाना है। उसके बाद ओपेसिटी को आप लोगों ने लो करना है, 70 तक आना है। तो इसके बाद इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा शेप पर क्लिक करना है और इस शेप को आप लोगों ने इस तरह एडजस्ट करके साइड पर लगाना है। उसको थोड़ा सा रोटेट करके आप लोगों ने राइट साइड पर इस तरह एडजस्ट करना है। उसके बाद उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप लोगों ने अपने हिसाब से। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसका भी ओपेसिटी थोड़ा सा कम करना है। कैप्टन के लिए जो शेप है वो आप लोगों के इसका जो शेडो है उसको भी आप लोग इनेबल कर सकते हैं, उसको इस तरह एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने दोबारा शेप पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस तरह शेप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है। इसके रेडियस को आप लोगों ने 10 तक रखना है। इसका कलर भी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो, कलर भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। उसके स्ट्रोक को भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से सिंपली आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोग इसको लॉक कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ से सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने सिंपली कैप्टन का जो पिक्चर है उसको इंपोर्ट करके आप लोगों ने इसको क्रॉप करना है। तो सिंपली इसका बैकग्राउंड आप लोग गूगल से भी क्रॉप कर रिमूव कर सकते हैं और इनशॉट से भी कर सकते हो। तो इसके बाद इसका शेडो को इनेबल करें, इनेबल करने के बाद यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेप सेलेक्ट करें जो भी अदर प्लेयर्स है उसके लिए। इसके लिए यहाँ से शेप्स को सेलेक्ट करके उसके रेडियस को थोड़ा सा ज़्यादा करें, उसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, उसका स्ट्रोक भी आप लोग इनेबल कर सकते हैं इजीली। इसके बाद इसका कॉपी बनाकर आप लोगों ने पहले आप लोगों ने स्ट्रोक को इनेबल करना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली कॉपी बनाकर आप लोगों ने इस तरह नीचे नेम के लिए शेप बनाना है। तो इसका रेडियस को आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, आपने सिंपली ब्लैक कलर लगाना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोग इसका स्ट्रोक भी इनेबल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आप लोग जूम करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने लेयर पर क्लिक करके दोनों को आप लोग कंबाइन भी कर सकते हो। यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके आप लोगों ने कंफर्मेशन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा साइज को छोटा करके आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर लगाना है। तो इसके बाद लाइन को सेलेक्ट करके आप लोगों ने इस हिसाब से एक एक को कॉपी करके इसकी लाइनों के अंदर आप लोगों ने एक एक को एडजस्ट करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोगों ने 10 कापियाँ बनानी है इस शेप की। तो यहाँ से मैंने 10 कापियाँ बनाई है इस शेप के, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह कापियाँ बनानी है। एक एक को कॉपी करके लाइन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सिंपली लेयर पर क्लिक करके उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से जूम करके आप लोगों ने इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। जो भी प्लेयर है वो उसका पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करके आप लोगों ने इस तरह एक एक करके आप लोगों ने अपने हिसाब से शेप के हिसाब से क्रॉप करके इसको यहाँ से आप लोग इजीली लगा सकते हो। तो नीचे आके यहाँ से शेडो को भी इनेबल कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ से दूसरा को भी आप लोग इसी तरह इंपोर्ट करके आप लोगों ने अपने शेप के हिसाब से क्रॉप करना है। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने ओके पर क्लिक करके उसका साइज को छोटा कर सकते हो, शेप के अंदर आप लोग इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके भी शेडो को आप लोग इजीली इनेबल कर सकते हो। तो इसी तरह आप लोगों ने खिलाड़ियों के लिए इसी तरह एक एक करके स्क्वाड जो फोटोज है उसको आप लोगों ने इम्पोर्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोग लॉक भी कर सकते हो। लॉक करने के बाद यहाँ से दोबारा आप लोगों ने जूम करना है। जूम आउट करके आप लोगों ने टेक्स्ट पर आना है। टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने जो टीम का नाम है वो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हो, जो भी नाम हो आप लोग यहाँ से सिंपली लिख सकते हो। यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा
एडिट करना है, सीसी को आप लोगों ने कैपिटल लगना है। तो यहाँ से सिंपली इसका फॉन्ट भी आप लोग चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हो। यहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट्स है, अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हो। यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है, इस हिसाब से आप लोग दोबारा जूम करके जो नीचे प्रेस का नाम है वो आप लोग इसी तरह लिख सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोगों ने एडिट पर क्लिक करना है, जो खिलाड़ी का नाम है वो यहाँ से आप लोग इजीली लिख सकते हो, जो भी नाम हो आप लोग। नाम लिख करने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है और शेप के अंदर आप लोगों ने इस तरह एडजस्ट करना है, और इसके बाद फॉन्ट को भी चेंज करना है, जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से ये फॉन्ट सेलेक्ट किया है, तो इसके बाद यहाँ से साइज़ को छोटा करके इस शेप के अंदर आप लोग इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद कभी बनाकर जो दूसरे खिलाड़ी का नाम है वो यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो। तो इसी तरह आप लोगों ने एक एक प्लेयर का नाम बिल्कुल सेम इसी तरह लगाना है। तो यहाँ से मैंने 10 खिलाड़ियों के जो नेम है वो यहाँ से सिंपली एडिट कर दिए हैं। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने छोटा सा शेप बनाना है कैप्टन के लिए, उसका रेडियस को इंक्रीज करना है, उसका कलर को आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका स्ट्रोक को भी आप लोग इनेबल कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ से आप सिंपली नीचे कैप्टन के लिए जो नेम है वो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो। तो इसके बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों ने इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके नीचे शेप के अंदर लगाना है। तो इसके बाद यहाँ से जो कैप्टन का नाम है वो यहाँ से आप लोग ईजिली लिख सकते हो। यहाँ से सिंपली इसका साइज़ को भी आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से हमारा स्क्वाड बन चुका है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों ने अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव करना है। शुक्रिया।